Hello everyone. So as we all know that INESET May exam is very near. So now today we'll discuss your final jump towards your goal, that is towards your INESET May exam. So first of all, I really want all of you to focus on your first and second year subject one thing, because first and second year subjects are the most asked subjects in INESET exam. And also what I पर्सनली बिलीव इज कि शॉर्ट सब्जेक्ट्स आर द वन जिससे रैंक डिसाइड होती है, बिकॉज मेडिसिन सर्जरी में तो सब एवरेज स्कोर कर ही लेते हैं. जिसने नहीं भी पढ़ी ना वो भी एवरेज स्कोर कर लेगा, जिसने बहुत ज्यादा पढ़ी है उसका भी एक दो क्वेश्चन ज्यादा ठीक होगा. बट शॉर्ट सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमने पूरे एमबीबीएस टाइम पे नहीं पढ़े, तो जिसने नहीं पढ़े उससे वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होंगे. जिसने उनके सिर्फ नोट्स भी पढ़े ना अच्छे से, तो शॉर्ट सब्जेक्ट से दे डोंट आस्क अ बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन. तो शॉर्ट सब्जेक्ट्स में यू कैन स्कोर फुल मार्क्स. अगर आप शॉर्ट सब्जेक्ट्स मिला के 40-50 क्वेश्चन भी आते हैं और आप उसमें से सपोज 50 क्वेश्चन आए सारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स को मिला के, सो आप 45 भी स्कोर कर सकते हो अगर आपने उन्हें अच्छे से पढ़ा. और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप 10-15 भी नहीं कर पाओगे. बट मेडिसिन सर्जरी गायनी पीड्स का क्या है कि अगर आपने पढ़ लिया तब भी आप 70 में से 50-60 कर पाओगे, और नहीं पढ़ा तब भी 40-50 कर लोगे. सो ट्राई टू फोकस एंड हैव अ गुड ग्रेस्प ऑन शॉर्ट सब्जेक्ट, बिकॉज शॉर्ट सब्जेक्ट आर रैंक डिसाइडिंग व्हाट आई पर्सनली बिलीव. अदर देन दैट एम्स में इमरजेंसी मेडिसिन एंड इमरजेंसी सर्जरी अपने अलग डिपार्टमेंट है, इसलिए इमरजेंसीज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, लाइक टेंशन निमोथोरेक्स, एस्टी एलिवेटेड MI और स्ट्रोक. इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. एंड प्रोसीजर्स के लाइक पेरिकार्डियोसेंटेसिस, प्लूरल टैप, लंबर पंक्चर, इन सब पे. या फिर क्लिनिकल क्वेश्चन लाइक स्टेप्स ऑफ इंसर्टिंग ऑफ होलीज. एंड एम्स में अपना ट्यूमर या ऑनको डिपार्टमेंट भी अलग है, इसलिए कीमोथेरेपी ड्रग्स पे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं. ऑल्दो नीट में कीमोथेरेपी ड्रग्स इतना नहीं पूछा जाता. व्हेन आई वाज गिविंग माय नीट एग्जाम मैंने कीमोथेरेपी ड्रग्स मुझे याद ही नहीं होते थे, तो आई जस्ट लेफ्ट देम. बट एम्स के लिए पढ़ने पड़े थे, एंड डेफिनेटली आईनीसेट के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज एक या दो क्वेश्चन तो पक्का आएगा कीमोथेरेपी ड्रग. ओके, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज PYTs. So PYTs, you will be thinking यार बार बार PYTs के लिए बताया जा रहा है, हमें पता है. बट ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग ना गलती करते हैं कि PYTs को लास्ट में कर लेंगे, लास्ट के 1 महीने में कर लेंगे, लास्ट के 15 दिन में कर लेंगे. बट वो एंग्जाइटी लेवल बहुत अलग होता है, सो यू वॉन्ट बी एबल टू लाइक ग्रेस्प देम एट दैट टाइम, और इतने अच्छे से यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड द कंसेप्ट. सो PYTs को अभी से करना शुरू करो, एंड ट्राई टू डू PYQs एंड PYTs एटलीस्ट ट्वाइस, बिकॉज दे आर डेफिनेटली डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट. और बहुत क्वेश्चन रिपीट होंगे, 80-90 क्वेश्चन आपको PYT से मिलेंगे, बट यू हैव टू डू देम लाइक वेरी नाइसली ट्वाइस. एंड टॉपिक्स एंड एज वेल एज ऑप्शन सबके बारे में यू शुड बी नोइंग. ओके, देन दिस इज द हाई टाइम दैट यू शुड बी कीपिंग योर 20th कॉपी विद यू. सो अभी अपने पास 20th कॉपी डेली रखनी है, डेली या ऑल्टरनेट डे उनको पढ़ना है. एंड कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है अभी और आपको लगता है वॉलेटाइल है, जस्ट एड इट इन योर 20th कॉपी. अदर देन दैट व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि मैंने जितने भी अपने साथ के कलीग्स को देखा था, तो जो लोग भी ना कंसिस्टेंटली एग्जाम के डे तक पढ़ते रहे उन सबका सिलेक्शन हो गया अच्छे रैंक से. चाहे वो GTs में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे थे, बट जिन्होंने भी एग्जाम के लास्ट डे तक पढ़ाई करी एंड कंसिस्टेंट पढ़ाई करी है वो सब सेलेक्ट हुए. जिन्होंने भी अपने GT स्कोर्स को देख के डिमोटिवेट हुए, या पढ़ना छोड़ दिया, या फिर लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया, अपने वर्क पढ़ाई के आवर्स कम कर लिए, या बिल्कुल होप छोड़ दिया कि अगली बार देखेंगे या नीट में देखेंगे या अगले एग्जाम में देखेंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हो. जिन्होंने भी ना लास्ट डे तक पढ़ाई करी है विद सेम कंसिस्टेंसी, ये भूल के कि हमारे GT में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे या कुछ भी है, बट जो भी एग्जाम के लास्ट डे तक पढ़ेगा डेफिनेटली वो सेलेक्ट हो जाएगा. सो स्टे कंसिस्टेंट टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम. ओके, एंड अनदर थिंग इज स्टे पॉजिटिव एंड कीप गिविंग GTs. सो GTs देख के ना बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि कम नंबर आ रहे हैं एंड हमारा मोटिवेशन कम हो रहा है, सो वी शुड नॉट गिव इट. बट ट्रस्ट मी, दैट इज नॉट द सोल्यूशन. अगर आप GT नहीं दोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, इट्स अ स्ट्रेट पॉइंट. कीप ऑन गिविंग GTs. ठीक है, यू कैन डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी बट कीप ऑन गिविंग GTs. एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि अभी 3 months हैं, सो इनिशियल 2 months में तो गिव GT एवरी वीक. ओके, अदर देन दैट डोंट कंपेयर योर रैंक और मार्क्स विद अदर्स, जस्ट ट्राई टू कंपेयर योर मार्क्स
विद योर प्रीवियस जीटी, ओके, एंड एक दो तीन जीटी तक कभी कभी मार्क्स सेम रहते हैं, सो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, बिकॉज आपको 20-30 डेज लगते हैं टू कंप्लीट ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ योर रिविजन. उसके बाद ही तो मार्क्स चेंज होंगे, उसके बाद ही तो आपके एक सेट पॉइंट जो 120 क्वेश्चन पे सेट था, 110 क्वेश्चन पे सेट था, वो चेंज होगा. ओके, सो 2-3 जीटी तक सेम मार्क्स आ सकते हैं, बट उससे डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं. ऑल द बेस्ट गाइस.